में पीएनबी के एटीएम में चोरी हुई है। यूआईटी के पास पीएनबी एटीएम में ये चोरी हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है राशि। मथुरा गेट थाना पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। तो मथुरा गेट थाना पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कोशिश और कवायद यही है कि इन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जल्द चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो ये बड़ी खबर भरतपुर से, जहाँ पर पीएनबी के एटीएम में चोरी हुई है। यूआईटी के पास पीएनबी एटीएम में ये चोरी हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है ये राशि। मथुरा गेट थाना पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस तरीके से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, साथ ही क्या रणनीति उनकी रही और कहां कहां वो जा सकते हैं, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। तो 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बताई जा रही है जो चोरों ने चुराई है। तो भरतपुर में पीएनबी के एटीएम में ये चोरी हुई है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, चोरी की वारदात से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूआईटी के पास पीएनबी एटीएम में ये चोरी हुई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आया है, कैसे ये चोरी की घटना हुई? देखिए, सबसे बड़ा जो मामला है कि पुलिस की जो गश्त है उस पर सवाली निशान खड़े होते हैं और जो घटना जो हुई है बिल्कुल यूआईटी और जो सर्किट हाउस है उसके सामने हुई है, जहाँ से पुलिस का आवागमन रहता है। और ये बताया जा रहा है कि जो बैंक प्रबंधक थे उनको जब पता चला दोपहर में कल की उनकी जो एटीएम है पीएनबी का, उसमें करीब 10 लाख से अधिक 12-13 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 12-13 लाख रुपए की चोरी जो हुई है उसमें। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन चोरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। रवि, ऐसे में हो सकता है कि कोई बैंक कर्मी भी इस चोरी में शामिल है, इस तरीके की कोई आशंका बनी हुई है क्या? देखिए, पुलिस को जब ये चीज का पता है, बैंक कर्मियों को इस चीज का पता चला तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी कैमरे आसपास के और बैंक में जो लगे हैं एटीएम में, उन सभी को खंगाला जा रहा है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।